बढ़ियागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय यादगार दिवस पर शिक्षकों ने दिवंगत कोरोना शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय यादगार दिवस के अवसर पर बढ़ियागढ़ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन ने इस भीषण आपदा में अपनी शासकीय सेवा के दौरान राष्ट्रीय सेवा करते शहीद हुए दिवंगत अधिकारी कर्मचारियों को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। मीडिया प्रभारी डीसी भाई ने यह जानकारी देकर मीडिया को बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय पेंशन योजना बहाली संगठन मध्य प्रदेश, जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन से संबंधित है, इसके आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश आईटी सेल प्रभारी एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डीसी बै, प्रांतीय शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय पेंशन योजना बहाली संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बीएस साहू, पवन पांडे, एचपी रावत, रोशन अहिरवा, योगेश खत्री, अर्चना चौधरी सहित प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में ब्लॉक के कर्मचारियों ने उपस्थित होकर आयोजन में सम्मिलित हुए। आज 31/5/2021 राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो हमारे शिक्षक साथी और अन्य विभागों के कर्मचारी साथी कोरोना काल में अपनी सेवाएं देते हुए इस राष्ट्र की रक्षा करते हुए दिवंगत हुए, शहीद हुए, उनके सम्मान में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन और इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लाइज फेडरेशन के निर्देशन में ये एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज हम लोगों ने जिला दमोह बटियागढ़ में किया है, जिसमें हम लोगों ने सम्मान स्वरूप सभी कोरोना योद्धाओं और दिवंगत कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने आशीष रूप विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, उनके परिवारों की रक्षा करें इस दुख की घड़ी में, उन लोगों को सहन शक्ति प्रदान करें और जो दिवंगत हुए हैं कर्मचारी साथी उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और मध्य प्रदेश शासन से हमारा संगठन विनय विनम्र आग्रह करता है कि जितने भी कर्मचारी इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में दिवंगत हुए हैं उनको लिए यथा जो उचित मुआवजा है उनके परिवारों के लिए दिया जाए और उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए ताकि उनका परिवार इस दुख की घड़ी में कुछ सहानुभूतिपूर्वक उनके परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध हो और उनका परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ऐसा हमारा संगठन मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से उम्मीद करता है कि सभी कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन निवेदन करता है कि कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू करने का एक उचित कदम उठाए, क्योंकि इस वर्तमान स्थिति में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार पुनः जो कर्मचारी राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं उनके लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन, मैं डीसी वैन और हमारे कर्मचारी साथी बटियागढ़ जिला दमोह के, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।